एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज छोड़कर कहीं दूर चले जाने को आदेश दे दिए। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था, इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने कई गांव में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिल सके। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास सैनिक वापस लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांव के मुखियाओं को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार का था, एक माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत पर काम किया करते थे। जब उस गांव ने मुखिया को अकबर का ये संदेश मिला तो वो चिंतित हो गया। उसने गांव के लोगों को सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर को संदेश गांव वालों को दिया। तब सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय आप मुझे एक घड़ा दे दे, मैं उसे उन महीने के अंत तक उसे बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था, उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहां वह काम किया करता था। वहां उसने कद्दू उगाए थे। उनमें से ही एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना असंभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काट कर अलग कर दिया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि उसमें बुद्धि भरी हुई है, उसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसे निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें झांक कर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उसके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए, वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उससे माफी मांगकर वापस दरबार में ले आए। सीख, हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है।